हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं भगवान जो है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। ये झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। भगवान शंकर के पांचवें ज्योतिर्लिंग की कथा परम शिव भक्त और महाशक्तिशाली लंकापति रावण से जुड़ी है। रावण की इच्छा थी कि महादेव उसके साथ लंका चले और वहीं निवास करे ताकि वो अपना जीवन उनकी सेवा में समर्पित कर सके। इसलिए वो कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा और महादेव को अपने साथ लंका ले जाने की जिद करने लगा। महादेव भला अपने परम भक्त की प्रार्थना को कैसे अस्वीकार कर सकते थे। उन्होंने रावण से कहा कि वो अपने स्वरूप को एक लिंग के रूप में बदल लेंगे और जहां कहीं भी वो लिंग रख दिया जाएगा महादेव वहीं स्थापित हो जाएंगे। ये सुनकर कैलाश में सभी चिंतित हो गए क्योंकि सबको यकीन था कि रावण महादेव को अपने साथ लंका ले जाने में अवश्य सफल हो जाएगा। तब भगवान विष्णु ने वरुण देव को रावण के पेट में जाने का आदेश दिया। उसके पश्चात थोड़ी देर चलने पर रावण को लघु शंका का आभास हुआ और उसने राह चलते एक बेदु नाम के व्यक्ति जो स्वयं भगवान गणेश ही थे को शिवलिंग थमा दिया और चला गया। जब रावण वापस आया तो देखा कि शिवलिंग वहीं स्थापित हो चुका था। इस बात पर वो अत्यंत क्रोधित हो उठा और वहां से चल दिया। तो इस तरह से हुई भगवान बैद्यनाथ की स्थापना। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय गंगाधराय शिव गंगाधराय।